तो ये क्या है? यूं समझ ले कुछ आदतें पड़ना, इसको कंडीशनिंग कहते हैं। कि हम कंडीशनड हो जाते हैं, जहेज कंडीशनिंग है, ना भी करना चाहें तो वी हैव द कंडीशन रिफ्लेक्स। अच्छा या बुरा ये कि कानूनी में बात कर रहा हूं, ये गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। आप एग्जाम ओरिएंटेड हो गए हैं, इसकी क्या है? ये कंडीशनिंग है कि यार बस एग्जाम पास करना है बस, ये तो इसकी क्या हो गई? कंडीशनिंग हो गई। तो ये कंडीशनड हो गए हैं। तो लर्निंग जो है वो डी कंडीशन हो गया कंडीशन होने का नाम। और ऐसा है एफएससी के बाद, आप देखें फर्स्ट ईयर क्यों मुश्किल लगती है, क्योंकि एफएससी तक आप बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ तरीके से जा रहे हैं, एकदम एक एमबीबीएस आती है और एक नई चीज आ जाती है। फिर फाइनल ईयर तक आप क्या हो जाते हैं? कंडीशन हो जाते हैं। फिर एकदम हाउस जॉब आ जाती है, और हाउस जॉब में कोई किताब ही नहीं उठा रहा, तो एक नई लर्निंग एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है, फिर आप उसके साथ कंडीशन होते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं ना एमबीबीएस करते ही पार्ट वन कर लो, 3 साल गुजर गए तो नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि कंडीशनिंग आपकी हुई होती है एज ए स्टूडेंट की तरह की, तो जो ही हाउस जॉब किया पार्ट वन किया हो गया। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से एज ए स्टूडेंट कंडीशन हो चुके हैं, लेकिन हाउस जॉब कर ली 3 साल गुजार लिया फिर तो आप बाबू हो गए ना। अब बाबू को तो स्टूडेंट नहीं पढ़ा सकते ना, उनको पढ़ाना तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अकेले कुल को तो कोई नहीं पढ़ा सकता ना, तो अब उनको कैसे पढ़ाएं? तो इसलिए स्टूडेंट बनना जरूरी होता है ना, कि आपको फिर स्टूडेंट बनना होता है पार्ट वन के लिए। तो ये है सारी कंडीशनिंग की कहानी, समझ आ रहा है आपको? तो जस्ट गिवन ओवरव्यू, होलिस्टिक व्यू, ये है कंडीशनिंग, अच्छी है बुरी है ये गलत कहानी, इसके फायदे करना चाहिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसमें साइकोलॉजी में बड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक अलग काम नहीं है कि हम साथ साथ बात करते रहेंगे। इस पे कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है, सबकॉन्शियस नॉट अनकॉन्शियस। अब हम साइको एनालिटिकल मॉडल भी पढ़ेंगे कि जो कहानी है ये है सबकॉन्शियस की। एक कॉन्शियस है जो मेरा सामने है और एक बिल्कुल उसके नीचे है सबकॉन्शियस। लाशऊर है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जो है वो बायोलॉजिकल है, खाना पीना ये तमाम अनकॉन्शियस डिजायर्स हैं जो कि बायोलॉजिकल है। तो ये जहन में रखना, ये हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर जब हम साइको एनालिसिस पढ़ेंगे, डिफेंसिस पढ़ेंगे, तो उसमें ये भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हम कुछ, मैं समझूंगा कि 3 लेक्चर्स में कवर हो पाएंगे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आप पढ़ें क्या क्या एलोज हैं, जरा ऊंचा पढ़े तो पीछे तक आवाज सुनिए। जीन पीजे, हाँ इस तरह पढ़े। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी नवी। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने ये एलोज हैं हमारे, कि हम, मैं कोशिश करूँगा कि इसको अगले 2 से 3 लेक्चर्स में ख़त्म कर पाऊँ। मैं नहीं हो सकता एक ही लेक्चर में, तो आई जस्ट वॉन्ट कि आज आपको फ्लेवर देने की कोशिश करूँगा कि ये है क्या और इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। सो और कोशिश करूँगा कि लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर हो जाए। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्ट करते हैं, शाबाश। कोई भी चीज जो हम बनाते हैं उस बनाने का नाम कंस्ट्रक्टिविज्म है, राइट? अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नाम है ये आपको पता होने चाहिए, वो है जीन पीजे का और वाइकोस्की का। ये दो नाम है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो जीन पीजे है जिसको हम पढ़ रहे हैं आज,
ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट है और वाइगोस्की जो है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। अब इन दोनों ने बताया कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, एक स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट कैसे करता है, एक बच्चा कैसे सीखता है। बेसिकली काम बच्चों पर है, तो यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ कि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि ये कैसे होता है। तो पहला ये अगर आप ये देखें कंस्ट्रक्टिविज्म का ये जो कॉन्सेप्ट है ये है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो पीजे है, वो ये कहता है कि जो लर्नर चाइल्ड है वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज कैसे, क्यूरियोसिटी, शाबाश, एक्सीलेंट, अपनी खुद से जो जेनेटिक उसके अंदर इनहेरिट चीजें मौजूद हैं वो उससे सीखता है। वो कहता है ये नहीं है, मतलब इसको कहते हैं रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो पीजे कहता है कि एक बच्चा खुद से सीखता है, उसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है उस पे सीखता है। और यही क्रिटिसिज्म भी है इस पे, कोई क्वेश्चन है अगर आप करें। जी ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। फिर सोशल एनवायरनमेंट कहाँ गए, जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, जो उस्ताद हैं, फिर तो ये सारा स्कूल ऑफ थॉट खत्म हो गया। अगर एक बच्चा खुद से सीख रहा है, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि इंसान है, अल्लाह ताला ने इंसान को खास सांचे में बनाया है और उसके अंदर एक पोटेंशियल रख दिया है कि वो ऐसे सीखता है, ऐसे ही है ना, ह्यूमन बीइंग इसलिए ह्यूमन बीइंग है ना कि उसके अंदर कुछ इनहेरेंट पोटेंशियल है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, वो सोशल एनिमल भी है, वो सोशल एनिमल भी है। अगर सोसाइटी उससे माइनस कर ली जाए तो उसकी औकात कुछ नहीं रहती है। उसकी औकात इसलिए है क्योंकि उसके इर्द गिर्द सोशल एनवायरमेंट है, उसके दोस्त हैं, उसकी फैमिली है, उसके वालिदैन हैं, उसके साथ। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचें इसको माइनस कर दें तो क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ भी नहीं है। तो ये है सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म। लेकिन ये भी बात सही है कि जेनेटिक अल्लाह ताला ने जिस तरीके से इंसान को पैदा किया है उसके अंदर कुछ चीज़ें, आपको भी पता है फिजियोलॉजी नेट भी पढ़ के, ब्रेन में कुछ सर्किट्स बने होते हैं जो बने ही इसलिए होते हैं कि सीख सके आप। और अगर आप कुछ भी ना सिखाएं, मैं सपोज कर लेता हूं, मैं फर्ज कर लेता हूं, हाइपोथेसिस है, अगर आप एक बच्चे को कुछ नहीं सिखाते हैं तो क्या मतलब वो कुछ नहीं सीखेगा। एक लम्हे के लिए सपोज कर लें, वो बोलना नहीं सीखेगा, वो उठना बैठना नहीं सीखेगा, वो चलना फिरना नहीं सीखेगा। तो ये समझ लें कि अगर आप कुछ भी नहीं सिखाते तब भी वो बायोलॉजिकल चीजें अटेन करता जाएगा, जो उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो स्टेप वाइज हासिल करता जाएगा। लेकिन डेफिनेटली सोशल है तो सोशल इंटरेक्शन होना बड़ा जरूरी है। तो यहां सोशल नहीं है कोई चीज, जिसको वाइगोस्की ने यहां क्रिटिसाइज किया। और वाइगोस्की ने कहा कि सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज, ये है डेवलपमेंट पर्सनालिटी की। तो एक आदमी ये कह रहा है कि इंसान खुद सीखता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। दूसरा कहता है नहीं, उसके इर्द गिर्द का माहौल, किस कल्चर में वो रहता है, कौन सी जबान में वो रहता है, ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो आप दोनों को मिला सकते हैं आसानी के लिए, आप रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ मिला सकते हैं। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से ऐसे कोई थ्योरी समझ आती है आपको जेन में, जरा इधर उधर नजर गिराएं के। रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई थ्योरी आप इर्द गिर्द देखें कि ये जो रेडिकल और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात है, इर्द गिर्द जरा नजर ऐसे दौड़ाएं, जियोपॉलिटिकल, तो आपको कोई नजर आता है मुल्क
इस बेसिस पर कोई थेरीज खड़ी हुई है। रशिया में क्या था? कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म क्या है? अ हार्डर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। तो ये क्या है? ये सोशलिस्टिक थ्योरी है, राइट? कल्चर, लैंग्वेज, तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सोशलिज्म। मार्क्सिज्म, वेरी गुड। कार्ल मार्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट, उसको लेनिन का, किस पे बेस कर रहा है? इस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब आप दूसरे पे चले जाए, जेनेटिक, वो भी आपको कहीं नजर आती है। इंडिया में क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, जेनेटिक, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, जो कहते हैं कि नहीं, इस साडा खानदान इस तरह का बड़ा अकलमंद है, फलाना ये पूरी कॉन्सेप्ट किस पे है? ये जेनेटिक बेस्ड है। इस्लाम इन दोनों से अबव है। इस्लाम ने ना उसको और उसको, उससे ऊपर का एक मॉडल है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमने काम ही नहीं किया। तो अब अगर हुआ काम किया होता तो मैं यहां जरूर लिखता कि इस्लामिक फिलोसफर्स ने ये बात की है। इसके ऐसे ही है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं ना कि रिलीजन जो है इस्लाम, या अब्राहमिक रिलीजन, जो हजरत इब्राहिम के जो जितने भी रिलीजन हैं, जिसका कुरान में भी जिक्र है, वो तमाम का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे भी ऊपर है। अब प्रॉब्लम ये है कि वी हैव नॉट डन एनी वर्क। अगर हमने, मैं आज जो आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ या रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपसे ये बात की जा सके कि क्यों हमने काम नहीं किया। तो सर ये तो बड़ा आसान है, आपको कोई कोविड की वैक्सीन बना के दे दे और आप इसको इस्तेमाल कर लें एज ए डॉक्टर, राइट? आसान है या नहीं है? तो जिन्होंने बनाई है, क्या वो एक पोटेंशियल नहीं होना चाहिए हमारे अंदर? क्या वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम खुद भी तो बनाए ना कुछ, हम भी तो थेरीज बनाए, हम भी एक ऐसा लर्निंग का मॉडल बनाए जो हमारे कल्चर के हिसाब से एक प्रैक्टिकल हो। हम अभी भी पीजे को पढ़ रहे हैं ना, अभी भी हम वाइगोस्की को देख रहे हैं और हम इसी के बेस पे करिकुलम डिजाइन करते हैं। तो हम खुद क्या कर रहे हैं? हम नकल कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, हम नकल कर रहे हैं, हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम खुद से कोई मॉडल नहीं खड़ा कर पा रहे। तो ये है प्रॉब्लम हमारे अंदर कि वी आर नॉट द क्रिएटर्स, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं हो रहे। तो ये जो दो की अर्ज की आपके साथ, वो ये इसलिए बनाने की कोशिश की कि ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म की जो दोनों थ्योरीज हैं, एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, एक रेडिकल है। रेडिकल का मतलब है जेनेटिक बेस्ड, सादा सा समझने के लिए। और सोशल का क्या मतलब है? सोसाइटी बेस्ड है, यानी इंसान या जीन से सीखता है, एक मॉडल कहता है, दूसरा कहता है नहीं, सोसाइटी से सीखता है, राइट? समझ आ गया आपको? ये यहां तक कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क, यू कैन आस्क। अगर ये आपको समझ आएगा तभी आपको पीजे आएगा और फिर आपको मजा आएगा साइकोलॉजी में। तो मैं ये भी अर्ज कर लूं कि साइकोलॉजी और साइकाइट्री में क्या फर्क है, ये हम पढ़े साइकोलॉजी। साइकाइट्री जो है इसका बायोलॉजिकल बेसिस है, मतलब जब हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें, डिसऑर्डर्स को बात करेंगे, उसका, उसकी दवाइयों से क्या इलाज हो सकता है, उसका न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल है, तो वहां मैं बन जाऊंगा डॉक्टर, वहां मैं बन जाऊंगा साइकाइट्रिस्ट, वहां मैं फिर आपसे सेरोटोनिन की बात करूंगा, नॉरएड्रेनालिन की बात करूंगा, डोपामिन की बात करूंगा। लेकिन ये दूसरा तरीका है समझने के लिए कि आप को पता हो कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है और खुद से आप अपना सेरोटोनिन बेहतर कर सकते हैं और वो क्या क्या तरीकेकार हो सकते हैं। हर चीज दवाइयों से नहीं होती ना, ऐसे भी तो ठीक हो सकती है, ठीक है जी? तो
तो यहां तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, उस पर क्लैप होनी चाहिए वैसे। एक्सीलेंट क्वेश्चन। क्या नाम है आपका? तो दिस इज व्हाट कंस्ट्रक्टिविज्म इज, जो आपने बात की है वो बड़ी जबरदस्ती बैठे। ये सवाल तो खैर मैं भी करता हूँ अपने आप से। बेसिकली ना इसका जो मेरी जो मेरा नॉलेज है ना, आई माइट बी रॉन्ग, इससे ऊपर का जवाब होगा डेफिनेटली, मेरा एक परसेप्शन है। आप ये ज़रूर समझ लिया जाए करें कि जो मैं जवाब दे रहा हूँ कोई 100% ठीक नहीं है, ये एक राय हो सकती है, बस इसको एक राय समझें, ये कोई अल्टीमेट आंसर नहीं है इसका। तो मेरी जो राय है वो ये है कि जो नेशंस होती हैं, कौमें हैं, वो ट्रेडिशंस पे खड़ी होती हैं। अगर हम अच्छी ट्रेडिशन आपके लेवल पे छोड़ेंगे तो वो ट्रेडिशन आप जब आज से 10 साल बाद देखें कि वो दरख्त बन जाएगा और उसकी छांव में लोग बैठेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हमने शायद कोताहियां बरती हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने ऐसी ट्रेडिशन छोड़ी ही नहीं है कि जिसको फॉलो किया जा सके। किसको फॉलो करें हम? जिना वो तो 47-48 में चले गए, उसके बाद भी तो पूरी कहानी है ना, उस पूरी कहानी को भी तो फॉलो करना है, या उससे आंखें चुरा लें? तो कॉमेंट ट्रेडिशंस पे खड़ी होती हैं। तो कभी भी आप किसी इंसान को देखें ना कि ये अच्छा है या बुरा है, तो जरूर देखें कि वो ट्रेडिशंस कैसे छोड़ रहा है। क्या वो अच्छी ट्रेडिशंस लगा रहा है, अच्छे पौधे लगा रहा है या नहीं? अगर तो वो अच्छा कर रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बुली कर रहा है, गालियां दे रहा है, किसी को अब्यूज कर रहा है, हैरस कर रहा है, ये दिस इज नॉट अ गुड ट्रेडिशन। स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन क्या है, कोई बता सकता है? सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या है? ये हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये बात हुई है तो मैं स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, जो एक ऐसा इमोशन जिसकी सबसे ज्यादा पावर होती है, इंसान पर इम्पैक्ट होता है जिसका। जी और इंसान चाहता है लव हो सकता है, लेकिन इससे भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एम्पैथी से भी ऊपर है। पॉजिटिव इमोशन लाना है, नेगेटिव नहीं सोचना। हेट्रेड, एंगर, लस्ट, प्रेजुडिस, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन रिस्पेक्ट, इसका एविडेंस मौजूद है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है वो है रिस्पेक्ट। अब आप प्रॉफिट को ले लें, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका सबसे बड़ा एहसान ये है कि वो रिस्पेक्टफुल थे। उसे कई लोगों ने आगे ऐसे बात की तो मैं इनको एक ही जवाब देता हूँ, कहते जी औरत पर हाथ उठाना जायज है। मैंने कहा क्या पैगम्बर ने हाथ उठाया कभी किसी पर? कोई एक मिसाल आप देते। ये सारी कंडीशनिंग है, इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं। इस पे इंसान एक तरफ क्लैरिटी से अपने आप से बात कर सकता है कि ये मेरी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, ये मेरी अपनी चबिल्लत हो सकती है, आदत हो सकती है, लेकिन ये रिलीजन नहीं है। सो डू नॉट कंफ्यूज रिलीजन विद द अदर थिंग्स। रिलीजन में औरत को बड़ी अहमियत दी गई है, और जब हम नहीं देते तो दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। रिलीजन में कुछ ऐसा नहीं है, तो इसलिए सीखना बड़ा जरूरी है कि रिस्पेक्ट जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप रिस्पेक्ट करेंगे, और मोहब्बत, लव, इमोशन सारा फारिग हो जाता है अगर रिस्पेक्ट नहीं है।
अगर एक इंसान अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता या वो अपने मियाँ की रिस्पेक्ट नहीं, आपको पता होगा रिलेशनशिप क्यों खराब होता है, दोस्तियाँ क्यों टूटती हैं, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा दोस्ती करीब होती है ना वो उसी की बेइज्जती करता है। आप ये अंदाजा लगा लें। और जो दोस्त एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जानते हैं ना, वो कहेंगे अकेले कमरे में तेनू गालियां भी काट लागा, लेकिन जब लोगों के सामने आऊंगा तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होंगे। और जो मुझे एतराज होगा मैं अलहदा आके तुमसे, अकेले में मैं तुम्हारे साथ मैं छोड़ूंगा नहीं। और लेकिन दोस्त भी ये कहेगा तुम कहना तुम अकेले आके यार मेरे नाल गल कर, सारे के सामने कहने की जरूरत है। तो ये है डिसरिस्पेक्टफुल। अब जितनी दोस्ती हो उसके टूटने की एक वजह होती है, वो है रिस्पेक्ट नहीं होती। तो ये एक सिर्फ सात बात हुई है कन्वेंशन और ट्रेडिशन के ऊपर। तो पीजे को मैं थोड़ा शॉर्ट सा करूंगा आज। जी आपका जवाब इन्होंने दिया कि जी हमारी प्रेफरेंसेस और थी और शायद उनकी प्रेफरेंसेस, डेफिनेटली डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिविस्ट जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन्होंने कुछ और सोचा और हम शायद वो, इसलिए कहा जाता है ना बियॉन्ड सेल्फ देखना, अपनी जात से ऊपर होकर चीज़ों को देखना है। तो इसलिए ये हम बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं और इसके साथ साथ जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। तो पीजे के बारे में मैंने आपको बताया, इज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये फोर फैक्टर थ्योरी है, ये मैंने अभी आपसे डिस्कशन कर ली है। अब मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, आपको पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा कि इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब। जैसे अभी मैंने आपको कहा कंडीशनिंग का क्या मतलब है, हैबिट्स बना लेना, आदतें बन जाना। अब आदतें अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी हो सकती हैं, बुरी होंगी तो कैसे छुड़वाया जाएगा, अच्छी है तो उसको कैसे स्ट्रेंथन करेंगे हम। इसी तरह कंस्ट्रक्टिविज्म पे भी आपसे बात हो गई कि कंस्ट्रक्ट करना नॉलेज को कैसे, जेनेटिक भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। जेनेटिक पे किसका काम है, पीजे का काम है, और सोशल पे वाइकोस्की का काम है। तो ही वॉज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो जो पीजे है उसने चार बातें की, मैच्योरेशन एक्सपीरियंस सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। मैच्योरेशन क्या होती है तो आपको आसानी से भी बता देता हूं, मैच्योरेशन इज जेनेटिक, हेरिडिटरी, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी। आप इसको जो चाहे वर्ड यूज कर लें, इसको चाहे जितना मुश्किल कर लें, लेकिन जो क्रक्स है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मैच्योरेशन मीन्स कि इंसान जेनेटिकली मैच्योर होता है। तो मैंने अभी आपसे जिक्र किया ना रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो कहते हैं जीन्स आर इंपॉर्टेंट। तो जो जीन्स हैं वो है इंपॉर्टेंट मैच्योरेशन में। इस पे कोई क्वेश्चन कोई कमेंट करना चाहिए जी? डेफिनेटली आगे जब हम स्टेजेस पढ़ेंगे तो एज के साथ साथ बताएंगे कि आपको सेंसरी मोटर क्या है, प्री ऑपरेशनल क्या है, कंक्रीट क्या है, फॉर्मल क्या है, और आप असेसमेंट कर लेंगे, आप इवेल्युएशन कर लेंगे किसी भी बच्चे की कि इस बच्चे को ये पढ़ाना चाहिए और इस स्कूल में ये जो स्टैंडर्ड पढ़ाया जा रहा है ये सही नहीं पढ़ाया जा रहा। आप बड़ा अच्छा क्रिटिक कर सकते हैं टीचर्स के साथ, ये टीचर्स को भी पढ़ाया जाता है, एजुकेशन को भी पढ़ाया जाता है ये चीज़ें। तो जब आप अपने फैमिली में देख सकते हैं कि ये जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है ये इस एज के हिसाब से किया गया या नहीं किया गया, कि जेनेटिकली वो इतना कॉम्पिटेंट हुआ ही नहीं है तो आप उसको ये चीज़ को पढ़ा रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि मेरे लेवल पर क्या इस एज में ये चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। तो यू कैन क्रिटिक दैट, राइट? एनी अदर एनी क्वेश्चन? यस। पर्सनैलिटी तो एक ब्रॉडर टर्म है ना, आपका पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक है, पर्सनैलिटी ट्रेट है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये एक आगे की कहानी है। तो
तो पर्सनैलिटी क्या है वो मैंने आपसे अर्ज किया कि पर्सनैलिटी जो है इट्स लाइक अ मैस्क, कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ द बिहेवियर्स, अगर मैं इसको डिफाइन करूं इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। आपने देखा होगा शेक्सपियर ने क्या कहा, लाइफ इज लाइक अ थिएटर एंड एवरीवन हैज टू प्ले द रोल, और पर्दा उठ जाता है। तो दिस इज वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि शेक्सपियर ने यही कहा है ये पर्सनैलिटी है और ये गलत नहीं है। मैं आपसे पूछ लूं, आप यही ओवरऑल पहनकर फैसल मूवर्स पे जाके खड़े हो जाए तो अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? तो लोग समझेगा बोतल देने वाले हैं, शायद बोतल बेच रहे हैं। तो आपने सर्टन सर्कमस्टांसेस में वैसा बिहेव करेंगे ना, तो आपने वैसे एक्ट कर रहे हैं। हम जब फाइनल ईयर में आए ना, तो अक्सर अब तो खैर माशाल्लाह थर्ड ईयर से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, हमारे वक्त में फाइनल ईयर में जाके ही लोग वार्ड्स जाते थे। तो फाइनल ईयर में कहा जाता था बस ड्रामा करना है, और एक अजीब सी फीलिंग आती थी यार मैं ड्रामा क्यों करूं। उसका सलाम करो, उसका नाम पूछो, उससे कंसेंट लो, लेकिन बाद में पता लगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डॉक्टर्स लाइफ। मैंने भी आपसे कहा ना रिस्पेक्ट इज अ इमोशन। अब आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि एकदम, और एक डॉक्टर में दूसरे डॉक्टर में यही फर्क होता है, ये एटीट्यूड का ही फर्क होता है, राइट? तो मैच्योरेशन जो है जेनेटिक है, ये आप याद रखें कि जो डेवलपमेंट है पीजे के अकॉर्डिंग, ये याद रखें, ये किसी ने नहीं कहा ना, इसको आपने अकले कुल समझ लेना है। ये पीजे का थॉट है कि जो डेवलपमेंट है वो जेनेटिक होती है, पर्सनैलिटी जेनेटिकली डेवलप हो। एक्सपीरियंस क्या है? शाबाश, एक्टिविटी। अब आप यहां इस वक्त बैठे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, बच्चा टॉयज के साथ खेलता है, वो एक्टिविटी कर रहा है। कोई भी एक्टिविटी करना एक इससे सीखा जाता है। तो वन इज जेनेटिक उसने कहा, दूसरा वो जो एक्टिविटी की जाती है। अब हमारे यहां यहां भी बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्टिविटी क्या है ये भी देखना है, सोशल इंटरेक्शन, हाँ हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, टीचर के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी एक लर्निंग है। तो जेनेटिक भी है, एक्टिविटी भी है, सोशल इंटरेक्शन भी है, और इक्विलिब्रेशन भी है। इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तमाम में। ये भी आपके सामने एक्टिविटी का जिक्र हो गया, इस पर कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो यू कैन आस्क। और ये है एक स्कीमा, दो कॉन्सेप्ट बस आपको आने चाहिए, एक स्कीमा का और एक इक्विलिब्रेशन का। सिर्फ मैं शॉर्ट सा लूंगा, स्कीमा क्या होता है? अभी हमने जिक्र किया ना कंडीशनिंग का, कंडीशन हो जाते हैं हम, कुछ चीजों को सीख लेते हैं, इसको पीजे की जबान में समझने स्कीमा कहा जाता है। बस ये लफ्ज आपको आना चाहिए। अगर मैं आपके साथ क्वेश्चन ये लिखूंगा मल्टीपल चॉइस में, अकॉर्डिंग टू द पीजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वन इज वेरी गुड इन राइडिंग द बाइसिकल, स्पोर्ट्स, वन इज वेरी गुड इन राइडिंग हॉर्सेस, तो ये कौन सी चीज होगी? तो उसमें मैं सपोज कंडीशनिंग भी लिख दूं और स्कीमा भी लिख दूं, किस पे टिक करेंगे आप? स्कीमा, समझ आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड स्कीमा। तो ये स्कीमा आप देख ले, वन्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मेरे नजदीक साइकिल ऐसे चलाई जाती है, मेरे नजदीक पढ़ा ऐसे जाता है, तो मैंने अपना एक स्कीमा डेवलप कर लिया। अब आप खुद जाकर सोचें कि मेरे नजदीक याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, तो ये क्या हुआ? स्कीमा है, ये मेरे नजदीक है। वो कहता नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है। अब आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कुछ लोग वो बुक्स के अंदर वो लगा रहे हैं, कुछ उस पर लिख रहे हैं, कुछ अपने स्मार्टफोन्स में लिख रहे हैं,
कोई किस तरीके से पढ़ रहा है, तो सारी चीजें ठीक है, हर किसी का अपना एक स्कीमा बना हुआ है, तो इसको स्कीमा कहते हैं। जैसे राइडिंग अभी मैंने आपकी मिसाल दी, मेंटल स्कीमा क्या है, यही है कि मैंने पढ़ने का एक अपना तरीका बना लिया। रिलेशनशिप्स, मेरे नजदीक अच्छा बच्चा वो होता है जो बाप के सामने बात ना करे, ये मेरा क्या है, स्कीमा है। एक आदमी है जो दूसरा कहता है नहीं, मैं अपने बच्चों को एनकरेज करता हूं कि बात करो, तो ये क्या है, ये एक और स्कीमा है। अच्छा दोस्त क्या होता है, मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया है, और दूसरे के नजदीक अच्छा दोस्त क्या होता है, जो किक मार के दरवाजा खोलता है। हॉस्टल के अंदर ऐसे ही होता है ना, तो ये हमने स्कीमा, हमने अपना एक स्कीमा बना लिया। तो जब मैं हॉस्टल में होता था तो मैं क्या करता था कि किसी के दरवाजे पे किक नहीं मारता था, क्योंकि मुझे होता था कि मैं नहीं मारूंगा तो ये नहीं मारेगा, वरना दोस्त ऐसे ही होते हैं, खींच के मारते हैं, अगला आदमी सोया हुआ उठ के बैठ जाता है, पता नहीं क्या हो गया, कोई उसमें तो कहते निकल बाहर, तो किसी के पढ़ने का टाइम हो रहा होता है उसी वक्त किसी के सोने का टाइम हुआ होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्कीमा, राइट, समझ आ रहा है आपको। अब इक्विलिब्रेशन क्या है, इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं इक्विलिब्रेट करना, इस सारे को जिसमें मैं बड़ा कंफर्टेबल हूं, रट्टा मारूंगा, एग्जाम आएगा दे दूंगा। एक दिन बुरहान साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, अपना लेक्चर मैं गूगल में डालूंगा, लिखना भी नहीं है, इसको जाके पढ़ने की समझने की कोशिश करनी है। तो ये क्या हो गया, डिसकंफर्ट आया, ये कंफर्ट जोन नहीं है ना मेरा। कंफर्ट जोन क्या है कि जब मैंने एफएससी की तो मैं पहले साल पूछा कि रट्टा कहां से कहां तक मारना है, ये बताओ ये किताब कहां, कौन से सफे से लेकर कौन से सफे तक रट्टा मारनी है, मुझे ये बता दो। क्यों पूछा, क्योंकि एफएससी तक, अब आप वो जो कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, सोचें मेरे वक्त में भी ऐसे होता था, अभी भी ऐसे हो रहे हैं, तो वो चल रहा है कि रट्टा मारना है यहां से लेकर यहां तक, और एंटीरो लेटरल क्या है, पोस्टीरो लेटरल क्या है, बस और वो टीचर बड़ा अच्छा लगता है जो सिर्फ सवाल करे और अंदर सवाल ना पूछे, अगर पूछेगा तो क्या होगा, हाँ भूल जाएगा, वो कहेगा मुझे खुद कहा कई स्टूडेंट्स ने, सर देखे दरमियान में ना बात करें तो मैं भूल जाता हूं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो ये स्कीमा है, और ये स्कीमा क्या है, ये इक्विलिब्रेट कर लिया आपने, आपने इसी को दुनिया समझ लिया, लेकिन ये यहां तक नहीं है, अब ये यहां तक नहीं है, और इसका आखिरी मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। जब नया एक्सपीरियंसेस होता है तो क्या होता है, नीचे सबसे नीचे पढ़े क्या है, अकोमोडेशन क्या होता है, मॉडिफाई करना। अब आप क्या हुए, डिसइक्विलिब्रेट हुए, नया नॉलेज आया, सपोज आपने एमबीबीएस की और हाउस जॉब आई, आपको लगा ये क्या हो गया, यहां तो किताब ही नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये मैं अपने साथ जो मेरे साथ हुआ मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मेरा पहली लगी तो मैंने मेडिसिन में बुक नहीं पढ़नी है, बस सिर्फ सीना पसीना जो हो रहा है उसको क्या करना है, फॉलो करना है। फिर हाउस ऑफिसर 2 महीने भी डिसइक्विलिब्रेट करता है, फिर एसिमुलेट करता है, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड करता है, तो ये वाला प्रोसेस आता है, फिर वो कहता है हाँ जी प्रोफेसर साहब बस मेडिसिन यही है जो ये प्रोफेसर ने पढ़ा दी। समझ आया आपको, तो ये लर्निंग का तरीका है, हम भी ऐसे लर्न करते हैं कि कोई चीज आई, नया एक्सपीरियंस आया, आप तो डिसइक्विलिब्रेट हुए, और फिर क्या हुए, फिर इक्विलिब्रेट हो गए। अब ये डिसइक्विलिब्रेशन होना, इक्विलिब्रेट करना, ये आसान है आपकी उम्र में, मुश्किल है मेरी उम्र। इसलिए आप देखें कि जो लर्निंग है सबसे ज्यादा कहां आई, यूथ में। इस्लाम को सबसे पहले किसने कबूल किया, यूथ ने किया। क्यों हुआ, क्योंकि उनका स्कीमा अभी डेवलप हुआ ही नहीं होता या बन रहा होता है, अभी उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है वर्ल्ड की,
तो वहां जाकर आप एक चीज देते हैं तो वो जल्दी असिमिलेट भी कर लेते हैं, यानी कि ऐड भी कर लेते हैं और अकोमोडेट भी कर लेते हैं और असिमिलेट भी कर लेते हैं, यानी कि मॉडिफाई भी कर लेते हैं, उसमें एडिशन भी कर लेते हैं, और उसके जरिए से वो इक्विलिब्रेशन बना लेते हैं। लेकिन मेरी एज का जो होगा वो आपसे 1000 सवाल करेगा, वो कहेगा नहीं ऐसे होता रहा है, ये नहीं हो सकता है। अब जब नहीं हो सकता है तो फिर असिमिलेशन और अकोमोडेशन भी नहीं होगी और नए स्कीमा भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर यूथ को प्रॉब्लम आती है, आपने बड़े बुजुर्गों से वो यही आती है जो आप बहस करते हैं, नहीं अब्बा जी वक्त बदल गया है, दुनिया बदल गई है, काइंडली असिमिलेट हो जाएं, काइंडली अकोमोडेट कर लें। तो वो कहेंगे नहीं पुत्र, 50 साल पहले जड़ा होता सी हूँ भी वही होएगा। तो वो क्या हो गया, उनका क्या है, एक स्कीमा, और उस स्कीमा में एसिमिलेशन अकोमोडेशन नहीं है, वो एक एक जगह पे आके एडजस्ट हो गए। इस पर कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहें, ये लास्ट स्लाइड है, इस पर कोई भी अगर आपके जहन में सवाल है। जी हाँ शाबाश, अपने आप को हालात के मुताबिक बदल लेना। बदल लेना क्या है, इट इज कॉल्ड द अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। सपोज आपने कल MBBS किया, USMLE किया, आप US चले गए, तो क्या करेंगे, यही करेंगे ना। आप UK चले गए, US, आप वहां जाके प्लैट्स कर लिए, आप वहां जाके एडजस्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो वहां जाकर यही करेंगे। इसलिए आप देखें जिनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं उनको वापस लाना मुश्किल होता है, लेकिन पेरेंट्स आ जाते हैं। मसलन आप जब जाएंगे तो आप हो सकता है आए, लेकिन आपकी जो जनरेशन है उसके लिए मुश्किल होगा आना, क्योंकि उनका एक क्या डेवलप हो जाएगा, एक स्कीमा बन जाएगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है वो वही होगी जहां वो पैदा हुआ। राइट, तो ये आज का रिकैप था। मैं इसको आज गूगल के जो आपके क्लासरूम है उसमें अपलोड भी कर दूंगा, और मैं आपसे एक चाहूंगा कि इसका फीडबैक भी जरूर दें। फीडबैक देना क्यों जरूरी है, शाबाश, हाउ कैन आई कम टू नो कि मैंने जो पढ़ाया है वो ठीक है या नहीं, ये सवाल सुन लें समझ। दिस इज द लास्ट, कि फीडबैक आपने जरूर सबमिट कराना है। इनिशियली हम चाहेंगे कंपलसरी करें, क्यों करेंगे, क्योंकि आपने बताना है टीचर को कि तुमने कैसा पढ़ाया, क्या तुमने वो जो लर्निंग आउटकम्स बताए थे क्या मीट कर पाए। अगर नहीं कर पाए, देखिए दो चीजें ध्यान में रखनी है, या तो इन चीजें अच्छी होती हैं या बताएं, खुले खुल के बताएं, या अच्छी होती हैं या इंप्रूव की जा सकती, बुरी नहीं होती है। आपने ये ब्लैक एंड व्हाइट ही सोचना, आपने सोचना है या अच्छा है या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर आप इसमें ये कर लेते तो ये और बेहतर हो जाता, अगर आप इसको इस तरीके से बयान कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर हो जाता। राइट, आप अगर कुछ और क्वेश्चंस ले लेते, इसको स्मार्ट ग्रुप स्मॉल ग्रुप में ले जाए तो और अच्छा हो जाए। तो इस तरह का फीडबैक जो है वो बड़ा इफेक्टिव होता, ये बहुत इफेक्टिव होता। नहीं मैं आपसे परफॉर्मा शेयर करूंगा, आई जस्ट वॉन्ट के इलेक्ट्रॉनिकली आए ताकि हमारे डाटा में रिकॉर्ड में रहे वो चीज। थैंक यू, और आप जरूर उसमें फीडबैक में डालें तो वी विल आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। जो क्वेश्चंस आप करेंगे तो मैं चाहूंगा कि इधर ही आके आपसे बात करें। जजाकल्ला, थैंक यू।